दहशतगर्दाना हमले में कल मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण का जम्मू में हो सकता है अंतिम संस्कार। महबूबा का निशाना हत्याएं रोकने के बजाय चुनाव में फायदा उठाने में लगी है बीजेपी। मदरसों के सर्वे पर यूपी के वजीर तालीम गुलाबो देवी का बयान, अवैध कोई भी चीज होगी तो रद्द होगी। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार बोले, वैध अवैध शब्द गलत, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे चल रहा है। यूपी में पीईटी इम्तिहान देने के लिए तलबा की उमड़ी भीड़, रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं। दूसरे शहरों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में हुई परीक्षार्थियों को भारी दिक्कत। मध्य प्रदेश बनेगा हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला पहला रियासत। आज भोपाल में अमित शाह करेंगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की हिंदी किताबों का विमोचन। नशे और ड्रग्स को लेकर रामदेव के निशाने पर बॉलीवुड स्टार्स, योग गुरु का इल्जाम, कहा आमिर का पता नहीं लेकिन शाहरुख का बेटा और सलमान खान लेते हैं ड्रग्स। भुखमरी से जुड़ी रैंकिंग को भारत सरकार ने किया खारिज, कहा छवि बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान नेपाल से भी पिछड़ा हिंदुस्तान, 121 देशों की लिस्ट में 6 मकाम लुढ़क कर 107वें मकाम पर पहुंचा। दिवाली से पहले महंगाई का एक और झटका, दिल्ली एनसीआर में अमूल और मदर डेयरी का फुल क्रीम और गाय का दूध 2 रुपए फी लीटर हुआ महंगा, आज से बड़ी कीमतें होंगी लागू। और आज से ऑस्ट्रेलिया में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज, पहला मैच श्रीलंका और नामीबिया के बीच, 23 अक्टूबर को भारत का होगा पहला मुकाबला पाकिस्तान से।